सर मैं फरीदाबाद से, हरियाणा से। आप यहाँ कैसे? सर मेरे बेटे ने एग्जाम दिया था नीट का। कितना नंबर पर? उसके 620 नंबर आए हैं। आप? मेरी बेटी है सर, ये चार ड्रॉप लेने के बाद 631 नंबर आया इस बार। तो हम लोग को ये लगा था कि आपकी कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सिस्टम में फेलुअर के वजह से बच्चे बहुत हताश हैं। बहुत आपकी बच्ची कहाँ तैयारी कर रही थी? बच्ची तो 2 साल कोचिंग करी थी दिल्ली में ही, आकाश में और दूसरे जगह पर, इस बार सेल्फ स्टडी कर रही थी, क्योंकि बार बार पैसा कितना हम लोग देंगे। आपका बच्चा? मेरे दो बेटियां हैं, एक आया है 656 नंबर, 106 109 नंबर आया है, दोनों नीट का। एक वो कुछ, दोनों को कुछ मिल रहा है? आए मिल पाएगा दोनों? अब क्या मिलेगा क्या नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरी बेटी अपने बेटे से मतलब नहीं है, सभी के बेटियों के इंसाफ होना चाहिए, सभी छात्रों के साथ इंसाफ से मतलब होगा। मेरी बेटी को मिल जाएगा कोई खुशी नहीं है। आने वाला सिस्टम जो करप्शन भरा हुआ, उसको खत्म करना जरूरी है। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसके अगले बेटी उसकी बेटी के बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी या कुछ भी नहीं बनेगी, तो उसका भविष्य क्या होगा? आने वाले पीढ़ी का भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? अपने जीने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, आने वाले भविष्य के लिए सोचना है। देश रहेगा, देश के सही लोग नहीं रहेंगे, देश का भविष्य सही नहीं रहेगा। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक क्या डिप्टी इस बार ही 24 में करप्शन हुआ है, 25 में नहीं होगा, 26 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ था, इसका क्या गारंटी है? अच्छा एक बात है, अब मैं ये देख रहा हूँ आप कि, अच्छा आपका बेटा कितना मिला आपको? 620 आया है, 58,000 रैंक है, 620। और पिछली बार 620 वालों की क्या रैंक? 18,000 थी कुछ। तो MBBS मिल जाता? आराम से मिल जाता, 23,000 तक मिलता है OBC, 23,000 तक मिलता है एडमिशन। वो मैं पहले से सुनता रहा हूँ 600 के ऊपर वालों को अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मतलब पढ़ लेते हैं, बहुत दिन से सुनता था पिछले साल तक। तो हाँ मैं तो सर ये कहूँगा कि जो सिस्टम फेलुअर है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दोषी हम लोग भी हैं, क्योंकि देश का जो बड़े पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े कुर्सियों पे, अगर ये पढ़े लिखे होते ना, तब इनको दर्द पता होता कि बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। ना तो ये कोई इंट्रेंस एग्जाम दिए और ना ये कोई कंपटीशन में बैठे थे, इनको कैसे पता चला? इतना कठिन इम्तहान, जनता का इम्तहान देख रहे हो, कहाँ मांगते हैं 400, कहाँ मिलता है 240, और कहाँ है तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले 44 से बढ़े 99, जनता का इम्तहान मामूली कठिन है। यदि यही चीज, यही रिजल्ट अगर इलेक्शन से पहले आ गया होता ना, तो ये जे 200 पार हो गए ना, 100 पार नहीं होते, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तो लोगों राजनीति का छोड़िए काट दिया, राजनीति का बात छोड़िए, रुकिए तो ये कौन चीज राजनीति के, इसमें कहाँ से बात है, कौन कितना बात नहीं है। ये बताइए, अगर जो शिक्षा मंत्री के अंडर में आता है NTA, ये NTA को बार बार ये सरकार क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, जब बार बार इस पे इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, हर बार ये करप्शन करता है, हर बार ये भ्रष्टाचार करता है, और NTA से दूसरा कोई नहीं मिलता क्या जो निष्पक्ष ये करा सके एग्ज़ाम? इसीलिए हम लोग को CBI जाँच होनी चाहिए, और जो बच्चे ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, यही हमारी मांग है। आप बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि लग रहा है आपको 23 लाख बच्चों का फिर से इस स्तर पर एग्ज़ाम करा पाना, अगर जिस तरह से NTA कह रहा है कि 63 लोगों ने अनफेयर मींस का इस्तेमाल किया, 1563 लोगों को ग्रेस मार्क दिए गए, उनके एग्ज़ाम फिर से कराए जा रहे हैं। ये तो सर NTA बता रहा ना कि 1563 बच्चे हैं, हमें क्या पता कितने बच्चे हैं उसमें। ये तो NTA का पहला जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसने बोला था कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क दिया, हमें क्या पता कि 50,000 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क दिया हो, 30,000 बच्चे को ग्रेस मार्क दिया हो। तो इसकी इसके बारे में तो NTA जानता है, या तो इसकी जांच कराई जाए CBI द्वारा, या कोर्ट की कमेटी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कोई ऐसी गठित हो, उसके द्वारा उसकी जांच कराई जाए, तो ही इसका पता लग सकता है। बाकी NTA कहने का हाल ये है, 4 जून को रिजल्ट आया,
4 जून को देश लोकसभा चुनाव में परेशान था, मीडिया भी परेशान थी, आप भी उसी में ज़्यादा नतीजे देखने में रहे होंगे। जब जिन बच्चों के घरों, जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी उनके पेरेंट्स और उन बच्चों के ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जब 620, 625, 30 पाने के, 50 पाने, 40 पाने के बाद भी उनकी जो मेरिट लिस्ट में संख्या बहुत नीचे थी, फिर रिजल्ट के जो डिटेल्स थे उसमें जब परतें खुलना शुरू हुई तो एनटीए ने 1-2-3 दिन चुप्पी साधे रखी और सोर्सेस के हवाले से उन खबरों का स्पष्टीकरण देते रहे, लेकिन जब मामला कोर्ट में आया तब जाकर के अब कुछ कुछ गांठें खुली हैं, लेकिन अभी भी एनटीए के ऊपर बहुत सारे सवाल या निशान हैं जिसके जवाब देने उसे बाकी हैं। सवाल यही उठता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करें, हम दुनिया की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में जाने का सपना देखें, हम चांद पर पहुंचकर और भी बड़े बड़े वायदे करने लगे, हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का दावा करने लगे, लेकिन हम अपने नौनिहालों को सरकारी नौकरी पारदर्शी तरीके से देने में लगातार नाकामयाब हो रहे हैं। हमें इसके लिए सबसे ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत हो, चाहे सरकार हो, चाहे संस्थाएं हो, और ये किसी एक राज्य, किसी एक पार्टी की सरकार में नहीं हो रहा है। सबसे मुश्किल बात यह है, बहरहाल माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही, हम जनता से जुड़े मुद्दों को माहौल क्या है के जरिए, सिर्फ चुनाव ही नहीं जनता से जुड़े मुद्दों को माहौल क्या है मैं हमेशा वरीयता देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे।